मौका मिले, काम रोज है, बहाने रोज हैं, नौकरी रोज है, जब जब मौका मिले अपने माँ बाप के साथ टाइम बिताओ, क्योंकि बिना आवाज और बिना आंसू के जो रोता है वो बाप होता है। जो अपने बच्चों की तकलीफों के छेदों को अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। ये सच है कि 9 महीने पालती है माँ हमें पेट में, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। अरे वाह, पहली बार। अरे ये बाप बेटे का रिश्ता ना दीदी, ऐसा होता है। माँ तो बोल देती है ना कि लव यू, बाप बोलता नहीं है। नहीं बोलता, सच्ची। और माँ के लिए बहुत लिखा पढ़ा गया है, बाप के लिए कम लिखा गया है। मैं बाप के लिए 4 लाइन पढ़ता हूँ। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पे फातिहा पढ़ने नहीं आया क्योंकि मैं जानता था तुम मर नहीं सकते। मैं तुम्हारी कब्र पे फातिहा पढ़ने नहीं आया क्योंकि मैं जानता था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारे मरने की सच्ची खबर जिसने फैलाई थी वो झूठी थी। हर पल अपने होने का एहसास देते हैं तुम्हारे हाथ, मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। जब भी कुछ लिखने के लिए कागज और कलम उठाता हूँ तो मैं सामने कुर्सी पे बैठा पाता हूँ। मैं तुम्हारी कब्र में दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने आ जाना।